हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कंपैरिजन करने वाली हूँ मैक का ये जो स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट पाउडर फाउंडेशन आता है NC40 एंड NC42 का। तो पहले मेरे पास NC42 पड़ा हुआ था, कुछ सालों से ये मेरे पास है और तब ये थोड़ा सा सस्ता था, पर अभी इसका करंट प्राइस मेरे ख्याल से 2900 रुपीज़ चल रहा है, तो काफ़ी महंगा है ये। और इसमें आपको ना पाउडर प्लस फाउंडेशन होगा क्योंकि इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको ना जिनकी ड्राई स्किन है या फिर नॉर्मल स्किन है तो उनको तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप सिर्फ इसे टचअप्स के लिए ही यूज़ करो, कि जब आपका पूरा मेकअप हो जाए अपने बैग में बस इसे रख लो, उस पर्पस के लिए ही आप इसे यूज़ कर सकते हो, नहीं तो फेस काफ़ी ज़्यादा ड्राई लग सकता है। और जिनकी ऑयली स्किन है आप इसे यूज़ कर सकते हो एज इट इज़ भी, क्योंकि इसकी कवरेज काफ़ी अच्छी है। और अगर आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर रहे हो ना, तो पाउडर्स का ये होता है, पाउडर जो पाउडर फाउंडेशन आते हैं या कॉम्पैक्ट्स होते हैं, तो ऑयली स्किन पर ना मैक्सिमम 1.5-2 घंटे टिकेंगे। और ये वाला जो है ना मैक का स्टूडियो फिक्स, तो ये आपका मैक्सिमम 3-4 घंटे टिक जाता है। कहने की बातें हैं कि लोग कहते हैं नहीं स्टेज अप टू 8 आवर्स 9 आवर्स, तो ये सब सिर्फ बोलने की बातें हैं, पर मैक्सिमम जो मैंने देखा है कि ये फेस पर टिकता है 3-4 घंटे तक, अगर आप इसको एज इट इज यूज कर रहे हैं बिना किसी फाउंडेशन के। और एक और चीज, अभी आपको मेरा फेस थोड़ा सा फ्लैट लग रहा होगा और डल भी हो सकता है, वो इस वजह से क्योंकि मैंने आई मेकअप नहीं कर रखा है, फेस पर ये पाउडर फाउंडेशन लगाया है, थोड़ा सा ब्लश यूज करा है, आईब्रोस एंड लिपस्टिक। तो फाउंडेशन, ये जो पाउडर है, पाउडर फाउंडेशन कॉम्पैक्ट, तो इसकी कोई गलती नहीं है, दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। और ना इसकी आउटर पैकेजिंग भी मेरे पास पड़ी हुई है, तो NC42 अभी मैंने अपने बर्थडे के टाइम पर ही लिया था अगस्त में, तो ये इसकी आउटर पैकेजिंग है। मेरे ख्याल से पहले नहीं आती थी आउटर पैकेजिंग, क्योंकि 42 में तो मुझे कोई आउटर पैकेजिंग नहीं मिली थी, और इस पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है, तो आपका ये प्रोडक्ट 2 साल तक चल जाता है। तो अभी मैं आपको इसका एक कंपैरिजन दिखा देती हूँ, एक साइड पर मैं NC42 यूज़ करूँगी और एक साइड पर NC40, और आप खुद फिर देख सकते हो कि कौन सा शेड मेरे पे ज्यादा बेटर लग रहा है और आपकी स्किन टोन पर कौन सा शेड सूट करेगा। और ये रहे मेरे दोनों कॉम्पैक्ट NC40 और NC42। आपको ये थोड़ा पुराना लग रहा होगा क्योंकि ये मेरा NC42 है और यही मैं आपको पहले लगा के दिखाऊंगी, तो आप अंदर से देखो ये काफी येलो टोन है। मैं जैसे ही पास ला रही हूँ ना थोड़ा लाइट लगने लग रहा है, तो ये मैं पीछे से आपको दिखाती हूँ। तो ये इसका एक्चुअल कलर है, येलो टोन इसके काफी ज्यादा है, और इससे जैसे मेरी पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स, माउथ के अराउंड जो थोड़ा सा यू नो डार्क एरिया रहता है, यहाँ पे मैं अक्सर यूज़ करती हूँ क्योंकि अब ये मेरे स्किन टोन पे थोड़ा सा डार्क लगता है, पर जब मैंने इसे ख़रीदा था ना तो तब भी शायद थोड़ा सा लग रहा था मुझे, पर इतना नहीं था, मैं इसे यूज़ कर लेती थी। पर अभी तो ऐसा हो गया ना कि मैं सिर्फ तभी इसे यूज़ करती हूँ जब मुझे लगता है कि कहीं पर ग्रे लग रहा है, तो वहाँ पर मैं यूज़ कर लेती हूँ। पर अभी मैं आपको ये अपने पूरे फेस पर यूज़ करके दिखा रही हूँ कि कैसा लग रहा है, कि मुझे आदत हो गई है कि जब भी मैं NC42 यूज़ करती हूँ तो मैं यहीं पे यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये एरिया हमारा ग्रे हो जाता है अगर हम कोई अपना नॉर्मल शेड का कॉम्पैक्ट यूज़ करें, डार्क स्पॉट्स वगैरह बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं। और ये थोड़ा डार्क भी था, अभी आपको लग रहा होगा कि मैच कर रहा है, पर थोड़े टाइम के बाद ना ये काफ़ी ज़्यादा येलो लगने लगता है, और मेरे नेक में और फेस में आप डिफरेंस भी देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। ये जैसे ही मैं पास आती हूँ ना तो लाइट लगने लगता है, तो मैं आपको दूर से ही दिखाती हूँ, आप डिफरेंस देख सकते हो मेरे नेक में और फेस में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है ये कॉम्पैक्ट लगाने के बाद NC42। और ये मेरा लेफ्ट साइड है तो ये फिर भी मैच कर रहा है, इधर मैंने कुछ नहीं लगा रखा फेस पे, नेक पे भी कुछ नहीं है, तो आप ये स्किन टोन यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे देखोगे तो आपको फेस अभी डार्क लग रहा होगा। और अपनी लेफ्ट साइड में ये NC40 यूज करूंगी, तो ये ना मुझे थोड़ा सा लाइट लगता है, पर जब मैं इसे फाउंडेशन के ऊपर लगाती हूँ ना तब ये ज्यादा बेटर लगता है, तो ऐसे मैं अभी लगाऊंगी तब भी कवरेज हो जाती है। इतना ज्यादा बस यूज मत करिए, थोड़ा कम ही क्वांटिटीज की आप लगाइए तो तब ये ठीक लगता है। पर जैसे मैं यहाँ पे अपने अंडर आई पे लगाऊंगी तो कभी कभार ना मुझे ग्रे लगने लगता है। 40 यूज़ करती हूँ सिर्फ, मुझे कॉम्पैक्ट जब यूज़ करना होता है तो इससे मुझे कवरेज भी मिल जाती है और ना स्किन टोन से ज़्यादा बेटर मैच है ये चीज़। मुझे ध्यान देनी पड़ती है कि मैं जब NC40 यूज़ कर रही हूँ ना तो मुझे काफ़ी कम ये कॉम्पैक्ट यूज़ करना होता है, और मेरे आई के अराउंड जैसा मैंने बताया कि थोड़ा ना ग्रे लगने लगता है कभी कभी, तो मैं फाउंडेशन ही जैसे कोई लगाती हूँ तो उससे कवर हो जाता है, येलो टोन फाउंडेशन होता है, तब उसके ऊपर यूज़ कर लेती हूँ, या मुझे टचअप्स करने होते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे यूज़ करना होता है तब मैं इसे अपने बैग में रखती हूँ, वरना मैं अवॉइड करती हूँ। जब मैं मेकअप यूज़ करती हूँ उसके बाद मैं सिर्फ लूज़ पाउडर यूज़ करती हूँ, तो जो ADS का बनाना पाउडर है या मेकअप रेवोल्यूशन का लूज़ पाउडर है
वो यूज कर लेती हूँ मेकअप के जस्ट बाद. बस टचअप्स के लिए मैं ये अपने बैग में यूज करती हूँ, मतलब रखती हूँ. अच्छा, तो ये दोनों कॉम्पैक्ट मैंने लगा लिए हैं और यहाँ पे मेरा NC42 है, यहाँ पे NC40 है. तो आप देख सकते हो कि कौन सा बेटर लग रहा है. मुझे तो बेटर NC40 लग रहा है, क्योंकि जब मुझे एज इट इज कॉम्पैक्ट लगाना होता है तो सही में पता यही ज़्यादा बेटर लग रहा है. मेरे नेक से ज़्यादा अच्छा मैच इसी का है. और मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं NC40 को ना, मैं कॉम्पैक्ट को अब सिर्फ टचअप्स के लिए ही यूज़ करती हूँ, अपने बैग में रखती हूँ कि मेरा जैसे कभी ऑयल आए या कहीं से हट जाए फाउंडेशन, कभी ऐसा भी हो जाता है तो उस टचअप्स के लिए ही मैं कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ. या जैसे ग्रे हो जाता है, मैंने आपको बताया कि NC42 मैं तब यूज़ करती हूँ कि ये वाला जो पिगमेंटेड एरिया है, डार्क सर्कल्स है, आपने मेरे ट्यूटोरियल्स में भी देखा होगा कि मैं NC42 कॉम्पैक्ट यूज़ कर लेती हूँ. या अगर आपके पास कोई डार्क शेड का कोई और फाउंडेशन कह रही हूँ या कॉम्पैक्ट हो इवन फाउंडेशन, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो अपने डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशन के पास में. पर यहाँ पर ना आप देख सकते हो कि थोड़े यहाँ से आती हूँ क्योंकि मैं जैसे ही पास आ रही हूँ ना तो मैं और लाइट लगने लगती हूँ. तो आप देखो कि ये कैसा लग रहा है, कौन सा बेटर लग रहा है, आप खुद ही देख लो. क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन होती है इंडियन स्किन टोन, क्योंकि इंडियन स्किन टोन वालों के लिए जो शेड है वो लोग कन्फ्यूज इन्हीं दोनों में रहते हैं, NC42 है या 40 है. तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन शेड रहते हैं जो लोग खरीदते हैं जिनका मीडियम वीटिश स्किन टोन है. तो यहाँ पर आप देखो ये कैसा लग रहा है. तो मुझे तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है. और ये वाला देखो कैसा लग रहा है. तो अभी राइट साइड पे तो मैंने NC42 लगा लिया है, तो इसके ऊपर ही मैं ये थोड़ा सा NC42 यूज़ कर रही हूँ ताकि ये मेरे स्किन टोन से थोड़ा मैच कर जाए, बैलेंस हो जाए. तो ये मैंने ना 42 के ऊपर 40 यूज़ करा है, तो ये मेरा थोड़ा सा मैचिंग शेड हो गया है. आपको स्किन टोन से काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा कि मैच कर रहा है, पर इसके ऊपर जब मैं जैसे ब्लश या फिर कंटूरिंग ब्रॉन्जर थोड़ा सा यूज़ करूँगी ना तो थोड़ा ये और डल लगने लगेगा. तो मैं प्रेफर करूँगी कि मैं NC40 के लिए ही जाऊँ. और अगर आपका मेरे जैसा स्किन टोन है तो आप NC40 के लिए ही जाना. और जो लोग स्टोर पे जा सकते हैं तो वहाँ पर जाकर ना आप अपना शेड ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि NC42 वैसे तो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, पर उसमें मैंने एक चीज़ देखी, शेड बहुत अच्छा लगता है स्किन पर जब आप लगाओगे, बहुत खूबसूरत लगता है. पर बहुत ज़्यादा वार्म अंडरटोन्स है उसके, बहुत येलो लगता है फेस पर, तो बहुत इतना पीला पीला लगने लगता है ना, तो मुझे इतना ठीक नहीं लगता और डार्क भी लगने लगता है. मैंने पहले भी उसका फाउंडेशन यूज़ करा है तो अच्छा लगता था, पर बहुत ज़्यादा येलो लगता था. और NC40 है ना, मुझे ठीक लगता है इसके ऊपर, जैसे मैं ब्लश लगाऊंगी ब्रॉन्जर यूज़ करूँगी तो बहुत ही अच्छा लगता है. पर यहाँ पर ही आपको एकदम मैचिंग लग रहा होगा, पर बाद में थोड़ा सा ये डल लगने लगा. यहाँ पे मेरे डार्क सर्कल्स हैं, वहाँ पे मैं थोड़ा सा ये NC42 यूज़ कर रही हूँ. आधा घंटा हो चुका है और मुझे लेफ्ट साइड ही बेटर लग रहा है जहाँ पे मैंने NC40 यूज़ करा था. तो ये वाला साइड मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है राइट साइड से. और लेफ्ट साइड पर भी जब मैंने NC40 यूज़ करा था तो थोड़ा सा ना मैंने यहाँ पर NC42 यूज़ कर लिया था, थोड़ा यहाँ पे और ये जो कुछ स्पॉट्स है इस पर मैंने 42 यूज़ करा था. तो ओवरऑल मैं आपको बोलूँ तो मेरे जैसा अगर आपका स्किन टोन है तो आप NC40 के लिए ही जाना. अच्छा, मैंने ना नायका पर इसकी थोड़ी सी और डिटेल्स देखी, तो NC42 के बारे में लिखा हुआ है कि टैन पीच विद गोल्डन अंडरटोन्स. तो मैंने आपको बताया है कि येलो अंडरटोन्स काफ़ी ज़्यादा है, गोल्डन अंडरटोन्स फॉर मीडियम टू टैन. और NC40 के बारे में लिखा है गोल्डन बेज विद न्यूट्रल अंडरटोन फॉर मीडियम टू, क्या ये खुल ही नहीं रहा यार बाकी पूरा, बस मीडियम टू कौन सा, बस यहीं तक लिखा हुआ है. तो गोल्डन बेज विद न्यूट्रल अंडरटोन्स है, तो गोल्डन भी इसके शेड्स है, तो मेरी स्किन पर ये चला जाता है. और यहाँ पर ना एक NC41 भी है, तो इसकी ना कोई डिटेल नहीं दे रखी, पर अगर आपको फिर भी थोड़ा डाउट है तो NC41 के भी स्वॉचेस देख लेना, कि अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं 40 भी नहीं है मेरे लिए, 42 भी नहीं है, तो एक बार 41 का भी देख लेना आप लोग वीडियो या फिर गूगल पर इमेजेस देख लेना, तो आपको थोड़ा और बेटर आइडिया हो जाएगा. तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि ये जो कॉम्पैक्ट है मैक का स्टूडियो फिक्स पाउडर फाउंडेशन, तो ये ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है. कोई एक्ने ब्रेकआउट्स इससे मुझे नहीं लगा कि मुझे हुए हैं. सेंसिटिव स्किन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मुझे इचिंग इरिटेशन रेडनेस काफ़ी ज़्यादा होती रहती है, जैसे कि अभी भी
हो गई है, यहाँ पे खुजली होने लगी थी तो रेडनेस हो गई है, तो फेस पे भी हो जाती है ऐसे और उसको हाइड करने के लिए काफी अच्छा रहता है। तो ओवरऑल मैं आपको बोलूंगी कि ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है, अगर आपका बजट है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और मैंने जो कॉम्पैक्ट यूज करे हैं जो कम रेंज के आते हैं बिलो 1000 वाले, तो उनसे तो ये मुझे बेटर लगता है प्रोडक्ट। प्राइस इसका ज्यादा है पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अपने पैसे वेस्ट कर दिए हैं, क्योंकि इस पे जैसा लिखा हुआ है कि दिस इज पाउडर प्लस फाउंडेशन। तो जब आपको जैसे फाउंडेशन लगाने का मन नहीं कर रहा है या बीबी क्रीम यूज करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप इसको सिर्फ एज इट इज अपने फेस पर लगा लीजिए और आपको ये बहुत ही अच्छी कवरेज देगा। उसके ऊपर आपको जो भी फिर अपना ब्लश लगाना है या आई मेकअप करना है आप कर सकते हो। शेड का थोड़ा सा देख लेना, जैसा मैंने आपको बताया कि आपका शेड कुछ ऐसा है मेरे जैसा, तो आप NC40 ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा डार्क है तो आप 42 ट्राई करिए। और अगर आपको अभी भी डाउट है तो कुछ स्वॉचेस जरूर देख लिया करिए, गूगल पर या यूट्यूब पर ही स्वॉचेस देखिए, अगर आप स्टोर पर नहीं जा सकते तब आपको अपने शेड का थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए, तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, कॉमेंट करके आप अपने डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, और मेरे सोशल मीडिया पर भी मुझे फॉलो आप कर सकते हैं, सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बस अब मैं जाती हूँ, जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।